हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स पोर्शन का ग्रेविटेशन चैप्टर को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में ये हमारे वीडियो का फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम क्या टॉपिक कवर कर लिए थे अपन रिकॉल कर लेते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया था। प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था, हमने क्या क्या देखा था, ग्रेविटेशन फोर्स होल्ड्स एंड सोलर सिस्टम देखा था, जियोसेंट्रिक उसको भी अपन देख लिए थे, है ना। केपलर्स लॉ देख लिए थे, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ एरियड्स देखा था, है ना। एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इनवर्स स्क्वायर रूल भी हम क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। एंड और हम फ्री फॉल देख लिए थे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख लिए हैं, है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो हम क्या निकाले थे, हम जी की वैल्यू निकाले थे, जिसमें हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास के ऊपर, ऑब्जेक्ट के जो मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, जिसमें हमने निकाला है ना। एंड इसके कैलकुलेशन में तो ये प्रूफ हो गया था। एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हमने वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें हमने देखा था कि पोल्स में क्या, ये हमारे इक्वेटर के कंपेयर पोल्स में क्या होता है, पोल्स का रेडियस कम होता है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रेविटी जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, इक्वेटर के कंपेयर में क्या होता है, यहाँ इसमें ग्रेविटी ज़्यादा होती है ना, एंड इक्वेटर में क्या होते हैं, कम, ये देखा था हमने। एंड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, फिर हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर फ्रीली फॉलोइंग बॉडीज, जिसमें हमने क्या क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, है ना। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, जिन्हें हमने इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था, बट अपन एक बार क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन ए बॉल थ्रू वर्टिकली अपवर्ड इट गोज, हम क्या करते हैं, एक बॉल को हम क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, ये देखा था हमने। एंड उसका जो डिस्टेंस हाइट पॉइंट क्या था हमारा, 19.6 मीटर था, है ना। इसकी इसकी हमने क्या निकालना है, इसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी थी, है ना। चलो तो इस क्वेश्चन को हम अपन एक बार और क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बॉल, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, तो ये हम क्या करते हैं इसको, यू से। तो यू यू इक्वल क्या था हमारा, यू को हमें फाइंड करना है ना। एंड फाइनल वेलोसिटी क्या आती है, फाइनल वेलोसिटी, अब हम फेंक रहे हैं तो हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। एंड इनिशियल वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने इस प्रीवियस क्लास में इसमें हमने देखा था कि ये हमारा जो क्या करते थे हम, किसी, देखो वर्टिकली, यहाँ पे वर्टिकली वर्टिकली अपवर्ड यानी मीन्स क्या करते हैं हम, जब हम नीचे ऊपर क्या करते हैं, बॉल को फेंकते हैं, तो ये क्या किस में आ जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी जीरो। तो यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी क्या लिए हैं, जीरो। एंड इसको हम फेंक रहे हैं तो इसमें हम जो ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, ये हमारा ग्रेविटी किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस, तो ये हमारा माइनस 9 पॉइंट ग्रेविटी, क्योंकि हम इसको फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस 9.8, तो माइनस 9.8, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका हमें क्या करना है, इसका हाइट कितना गिवन है, हाइट, ये हमारा हाइट है, तो हाइट हम निकाल ले, हाइट हम गिवन कर लेते हैं, क्या है हमारा हाइट, 19.6, ठीक है। अब देखो इसको हम कौन से वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, ऑब्वियसली सबको पता है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर, है ना, ये मोशन का हम देखे थे। एंड टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसकी किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले लिए, जी ले लिए, जी एंड एच, हाइट, क्योंकि हाइट है ना उसमें, तो चलो इसमें पुट कर देते हैं। अब देखो ये वी, वी इक्वल क्या है, जीरो, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो अब यहाँ पे u क्या है, u u हम इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो u का u एंड प्लस 2, ग्रेविटी कितना दिया है, माइनस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 9.8, है ना,
एंड इनटू हाइट कितना गिवन है, हाइट है ये हमारा हाइट, कितना हाइट ये यहाँ पे हाइट गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 19.6। अब देखो ये हम हो जाएगा वी का स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये देखो ये यू का क्या हो जाएगा, यू का स्क्वायर इंटू हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 19 पॉइंट, इंटू करेंगे तो 19.8 क्या आ जाएगा, ये हम इंटू करेंगे तो 19.6 इंटू, चलो सब इंटू करो चलो, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 19.6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9.6 इंटू 9.6 तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर में आ जाएगा, एंड यू इधर माइनस में तो यू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 19.6 स्क्वायर में ले सकते हैं हाँ, एंड ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा यू का इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा क्या निकल गया, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी निकल गया, अब हम इसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एंड इसमें हमारा क्या निकल, अब इसमें हम कितना टाइम क्या है टाइम ये हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये वाले फॉर्मूला में कितना टाइम लगा, इसके लिए हमें क्या करना है हमें, हम ये वाले फॉर्मूला में रखेंगे वी स्क्वायर यू प्लस जी, जी क्या है एक्सेलरेशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, जबकि वी फाइनल वेलोसिटी हमें पता है वी स्क्वायर क्या है जीरो, तो यहाँ पे हम जीरो पुट कर देते हैं, एंड यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे निकल गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 19.6। ठीक है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, एंड प्लस क्या है हमारा, उसके बाद हम इनिशियल वेलोसिटी हो गया, एंड हमारा जो ग्रेविटी है वो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं 9.8, एंड टाइम टी क्या करना है हमें फाइंड करना है, क्या करना है हमें टी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देन यहाँ पे इंटू टी फाइंड करना है, तो ये जीरो ही है ना, जीरो ही है, एंड इसको 19.6 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 9.8 और ये टी का टी। ठीक है, देन क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे 9.8 टी का टी, एंड यहाँ पे इसको कितना हो जाएगा 19.6, तो इधर आ गया, तो इधर इंटू फॉर्म में, तो इधर ये इसके फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 19. क्या आ जाएगा 6, ये इधर आके इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 19.8, एंड इससे हमें क्या निकल जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर निकल जाएगा 2 सेकेंड, तो हम कितना टाइम लगा उसमें 2 सेकेंड लगा। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, कितने 20 मीटर हाइट से हम क्या कर रहे हैं बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, उसका स्पीड क्या करना है हमें, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट्स हिट द ग्राउंड, ग्राउंड में आने के लिए कितना उसको क्या करना है हमें, इसमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है स्पीड को। ठीक है, तो देखो इसमें सॉल्यूशन में हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट है ना क्वेश्चन का। ठीक है, ये देखो एंड यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा ए फर्स्ट है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली सबको पता है इनिशियल वेलोसिटी को हम करते हैं वी से डिनोट, एंड इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा है ना, एंड इसकी स्पीड हमें क्या करनी है, एंड फाइनल वेलोसिटी का क्या निकालना है, ये इनिशियल स्पीड होगी ना, इनिशियल स्पीड फाइंड कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एंड फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, ये हमारा इनिशियल स्पीड होगा ना, अब फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल स्पीड हमें क्या करना है फाइंड करना है, कितने स्पीड में वो क्या हुआ ड्रॉप हुआ, एंड ग्रेविटी कितना हमारा जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 20 मीटर, तो यहाँ पे हम ग्रेविटी यहाँ पे गिवन यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। ठीक है, एंड जो बॉल है वो क्या करेगा, इसका ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे ग्रेविटी कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर, ये हमारा 10 क्या निकल जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, अब हमें पुट करना है। एंड हाइट कितना गिवन है, हाइट है हमारा 20, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं हाइट इक्वल लिख लेते हैं 20 मीटर। एंड इसको हम फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हम वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस इक्वल 2 प्लस 2 GH। ठीक है, V कितना है, V हमारा क्या है, V हमारा ये, तो हम इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 दिया, तो V का स्क्वायर हमें फाइनल स्पीड निकालना है ना, फाइनल स्पीड कैलकुलेट करना है। तो V का स्क्वायर इक्वल U कितना गिवन है, 0। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, ग्रेविटी कितना है हमारा, 10 है, तो ये यहाँ पे हम टू कर लेते हैं 10 से, एंड ये हमारा 20 है। तो V का स्क्वायर इक्वल कितना होगा, 0 का 0 प्लस क्या हो जाएगा, ये 20 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 400। एंड V का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 400, ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं V स्क्वायर हो जाएगा ये रूट 4 क्या हो जाएगा ये, एंड इसका जो आंसर आ जाएगा, हम रूट से कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा फाइनल स्पीड। ठीक है, क्या निकल गया हमें, फाइनल स्पीड हो गया। एंड ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टाइम्स इन सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये सेकंड वाले को, वो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें गिवन था है ना, अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें फाइंड करना है कितना टाइम लगा। ठीक है, कितना टाइम लगा इसको हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स फॉल थ्रू दिस हाइट, से हमें बॉल को जो क्या कर रहा है, नीचे फॉल हो रहा है, तो उसे कितना टाइम लगा इसको हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी गिवन को पहले लिख लेते हैं, एंड इनिशियल स्पीड क्या थी हमारी, इनिशियल स्पीड थी हम u इसको लिख लेते हैं 0। ठीक है, एंड फाइनल स्पीड क्या है हमारे, फाइनल हम फाइनल स्पीड हमने ये वाले क्वेश्चन में देखा है क्या है फाइनल स्पीड हमारा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइनल स्पीड। ठीक है, फाइनल स्पीड, एंड तो इसका हमें क्या निकालना है, ये यहाँ पुट कर सकते हैं हम, कितना है ये हमारा, एक मिनट ना, 20, चलो 20 लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये 20 हो गया है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। एंड हमारा जो टाइम क्या करना है, ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना इवन है हमारा, 10 मीटर है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एंड हमें क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करनी है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले में पुट करना होगा वी स्क्वायर यू प्लस जी एंड टी, तो V का वैल्यू कितना है, 20 है, वहाँ पे 20 लिख देते हैं, U क्या है, U हमें पता है 0 प्लस, ये प्लस है ना, एंड ये G है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे छोटा लिख देती हूँ इसको। ठीक है, ये प्लस का, प्लस G का वैल्यू कितना है, ये हमारा है 10, एंड इनटू टाइम हमें फाइंड करनी है ना, तो देखो, एंड ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 10 से इक्वल क्या हो जाएगा, ये 10 t है ना, एंड यहाँ पे इसके आगे हम क्या करेंगे, एंड ये हमारा हो जाएगा 10 t इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 20, तो इधर इसके साथ इंटू के फॉर्म में है, तो इधर आके वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये 10 इधर आ जाएगा इसके नीचे है ना, तो ये हो जाएगा हमारा t इक्वल हो जाएगा हमारा, ये t है ना, इक्वल हो जाएगा 20 अपॉन 10, क्या करेंगे हम, कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 10 into 10, 10 to 10, तो ये हमारा t इक्वल कितना निकाल जाएगा, 2 सेकेंड, तो ये हमारा हुआ सेकेंड का आंसर, 2 सेकेंड लगा उसको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये 2 है ना, पर यहाँ से अच्छे से लिख देती हूँ मैं, ये t हो जाएगा 2s 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास। तो सबसे पहले तो ये कि मास मीन्स क्या समझते हैं हम, चलो स्टूडेंट चलो बताओ,
मास मीन्स क्या होता है, तो हमारा क्या कह रहा है इसको अपन एक बार देख पढ़ लेते हैं ना। द मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। अब देखो हर एक ऑब्जेक्ट का मास होता है, क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का मास होता है। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि हम मास, अब देखो अब हम मास उसको बोलते हैं जो उस, मान लो एक हम मैटर ले लेते हैं, ठीक है मैटर। अब मैटर सपोज हम क्या ले, चलो हम ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं एक एटम, जैसे कि एटम हम देते थे ना, चलो एटम से ही कंपेयर कर लेते हैं आप, है ना, केमिस्ट्री में सब पढ़े एटम। तो हम क्या है, एटम्स का एक क्या होता था, हम उसमें मास ही क्यों बोलते थे एटम में, हम कभी वेट बोले हैं क्या, नहीं बोले हैं, हम सिर्फ मास ही बोलते हैं। हर एक जितना भी ऑब्जेक्ट लेते थे हम सिर्फ उसमें क्या बोलते थे, मास ही बोलते थे। हम कभी बोले हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, जैसे कि किसी एटम्स का लिए तो हम बोले हैं क्या कि ये हाइड्रोजन का वेट क्या है, ऐसा बोले हैं क्या, नहीं। हमने सिर्फ क्या लिया था, हमने सिर्फ लेते थे कि मास। तो हम मास इसलिए लेते थे बिकॉज ये जो मास होता है ना, तो मास हम उसको बोलेंगे जो एक ही ऑब्जेक्ट, जो जैसे कि एटम से मिल करके क्या बना रहता है, इसको समझना ठीक है। एटम से मिल करके, एटम्स मिल करके क्या बना रहता है, एलिमेंट बनता है। तो एटम्स का जो मास होता है ना, एटम्स का जो टोटल मास जिस क्वांटिटी से बना होता है उसको हम एलिमेंट्स के मास बोलते थे। उसी तरह इसमें भी हम मास किसको बोलेंगे, मास हम उसको बोलेंगे जो जिस ऑब्जेक्ट से, जिस बॉडी की क्वांटिटी से वो बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर बता देती हूँ, उस बॉडी को ना, एक बॉडी के मास की क्वांटिटी को ही हम उस ऑब्जेक्ट का क्या कहेंगे, मास कहेंगे। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किस क्वांटिटी से, उसका जो जिससे वो बना है वो उसकी क्वांटिटी ही उसकी टोटल क्या कहलाएगी, मास कहलाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा मास। द मास ऑफ ए बॉडी इन दिस क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी, किसी बॉडी का मास क्या है, जिस क्वांटिटी से वो क्या होता है, मैटर क्या होना है, बना रहता है, कंटेंट रहता है। तो यहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। एंड मास इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। देखो हमने फर्स्ट मोशन में भी पढ़ा है, सबसे पहले हमने क्या फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं हमने, फिजिकल पढ़े ना, फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हमने एक एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है, सब जानते हैं, एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है, एंड पढ़े हमने स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, क्या होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एंड इसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। तो केजी से भी डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, किलोग्राम होता है मास का, ठीक है। एंड द मास ऑफ ए बॉडी कॉन्स्टेंट, एंड ये जो मास होता है ना, ये जो मास होता है ना, जैसे ये क्या करता है, डोज नॉट चेंज इन, ये चेंज नहीं होता है, ये जो मास होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। अब कैसा चेंज नहीं होता, अब देखो तुम लोग खुद देखो ना, तुम लोग मान लो एक एक ऑब्जेक्ट को सपोज हम ले लेते हैं, हम पेन ही रख लेते हैं, ठीक है, सबके पास पेन ही है, हम पेन को क्या करते हैं, एक एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में हम उसको ले जाते हैं, ठीक है, मूव करा रहे हैं या फिर ले जा रहे हैं, तो क्या उसकी मास कम हो जाएगी, क्या नहीं होगी, उसकी मास कम नहीं होगी ना, नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, मास जो होता है ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज प्लेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये क्या नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, ठीक है, ये जो मास। अब एक बार और अपन क्या कर लेते हैं, इसको स्टार्टिंग से बताती हूँ, मास को बोलते हैं जिस जो बॉडी होता है उसका जो क्वांटिटी होता है ना, क्या होता है, किसी बॉडी जिस क्वांटिटी से वो बना होता है ये उसका टोटल क्या कहलाता है, मास कहलाता है। एंड मास जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर, सॉरी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, कहीं पे भी जाए ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये डायरेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है। अब देखो ये जो मास होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये अभी बताई कि किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम क्या कर लेते हैं, उसको
ले जाते हैं तो क्या उसके मास में चेंजेस आएंगी? नहीं आएंगी, वो कांस्टेंट रहता है, इसके कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है हमारा मास। अब देखो वेट, अब वेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो बॉडी होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, हम लोग कभी बोले हैं कि हमारा मास क्या होता है? कभी बोले हो तुम लोग कि हमारा मास क्या होता है? ऐसा कोई कोई नहीं बोलता है ना। सब क्या बोलते हैं, सब यूज करते हैं वेट यूज करते हैं, कोई मास नहीं बोलता, सब क्या बोलते हैं वेट यूज करते हैं। क्यों वेट यूज करते हैं, तो देखते हैं इसमें हम लोग वेट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है ये। The weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth. अब हमें पता है कि अर्थ हम एक फोर्स एग्जर्ट करता है, वो कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स होता है हमारा ग्रेविटी। क्या फोर्स होता है? ग्रेविटी फोर्स होता है ना, सिंपल। अर्थ क्या करता है? अर्थ ग्रेविटी फोर्स एग्जर्ट करता है। अब देखो ये कह रहा है कि जी उसका जो सेंटर, हमने देखा है कि जो वेट होता है ना, वेट जो उसके पोल्स होते हैं, सॉरी जो अर्थ होता है, अर्थ के पोल्स होते हैं, पोल्स का रेडियस क्या होता है, पोल्स का जो रेडियस होता है वो कम होता है, एंड इसके जो इसका जो इक्वेटर्स का होता है वो क्या होता है, उसका रेडियस ज्यादा होता है। तो हमने देखा था कि जिसका जितना ज्यादा रेडियस होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही कम होगी। हमने मैग्नेट में भी देखते हैं कि जो मैग्नेट को हम दूर दूर में रखे रहते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, एंड जैसे ही क्लोज लाते हैं तो उसमें अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। उसी तरह ये जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ के पोल्स में क्या होते हैं, अर्थ के जो पोल्स होते हैं ना उसमें जो रेडियस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो इसमें ग्रेविटी ज्यादा होती है कंपेयर किससे, ये हमारा इक्वेटर से। ठीक है, तो ये कहता है कि हमारा जो वेट क्या करता है, जो अर्थ का जो सेंटर होता है, अर्थ अब क्या फोर्स लगाता है हमें तो पता है, ग्रेविटी, तो वेट उसको बोलेंगे अपन जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मास के साथ साथ हम क्या करते हैं, अर्थ जो फोर्स लगाता है ना, अर्थ क्या फोर्स लगाता है, ग्रेविटी, उसको भी हम क्या करते हैं उसमें साथ में लेते हैं। अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर अर्थ मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है ये अर्थ, क्या कर रहा है अर्थ, क्या कर रहा है अर्थ, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी की यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि हम क्या देखे हैं, फोर्स हम क्या देखे हैं, ये हमेशा याद रखना कि ये वर्टिकली यहाँ पे जो हो, ये हमारा जो वेट होता है ना, वेट क्या होता है, वर्टिकली क्या होते हैं, देखो वर्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड में क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। तो यहाँ पे तुम लोग क्या बोलोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब ये जो फोर्स एग्जर्ट होता है ये इस डायरेक्शन में होता है, ये हमारा जो कौन सा डायरेक्शन होता है इस, एंड ये हमेशा प्लस पॉइंट में होता है, अभी हम लोग देखे हैं, है ना। तो जो वेट होता है वो क्या करता है, ये हमेशा डाउनवर्ड में क्या करता है ये, तो हम क्या कर, अब देखो तो इसको यहाँ पे हम ये वाले टॉपिक में देखें, इन द अदर वर्ड्स द फोर्स अर्थ ग्रेविटी, ये देखो इसमें भी कह रहा है कि हम दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं अदर वर्ड में कि अर्थ द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बॉडी नो एज इट्स वेट, मतलब जो फोर्स लग रहा है तो हम फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम ही, जो फोर्स लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है, ऑब्वियसली किसके लिए लग रहा है, वो ग्रेविटी लगा रहा है, एंड उसमें क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। तो देखो यहाँ पे अपन एक बार देख लेते हैं कि इन दी वर्ड्स क्या कह रहा है, कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो क्या था वेट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि W is equal F and M, क्या है M यहाँ पे मास into acceleration, ठीक है। तो देखो अब ये जो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, मास, ये हमारा मास into acceleration, acceleration हम देखे हैं, ठीक है, हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है कि फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, एंड जो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना, इसका ये यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा, तो यहाँ पे हम फोर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल मास इंटू
एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी। तो यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल लिख सकते हैं एम इंटू जी, ठीक है। तो यही होता है हमारा वेट, क्या हो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डब्ल्यू मतलब वेट इक्वल हम लिख सकते हैं मास इंटू ये हमारा ग्रेविटी, ठीक है। एंड इसका एसआई यूनिट देखिए, तो एसआई यूनिट क्या होता है, हम फोर्स का एसआई यूनिट क्या लेते थे, न्यूटन लेते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, यहाँ पे भी हम लेंगे क्या लेंगे, वेट का क्या लेंगे एसआई यूनिट, हम न्यूटन लेंगे, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो, ठीक है। एंड हाँ यहाँ पे मैं ये देखो, एंड जो वेट होता है ना, हम क्या लिए थे मास में, मास में हम लिए थे कि मास जो होता है, मास क्या होता है, मास था वो स्केलर क्वांटिटी था, क्या था, मास जो था वो स्केलर क्वांटिटी था। बट हमारा जो वेट है ना वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। एंड द वेट ऑफ बॉडी ऑल्सो चेंज, एंड वेट क्या होता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता, जैसे कि मास कांस्टेंट था ना, तो यहाँ पे वेट क्या है, कांस्टेंट नहीं होता, ये क्या होंगी, ये चेंजेस होते रहती, तभी सब बोलते हैं ना मेरा वेट इतना हो गया, मेरा वेट इतना है, बिकॉज ये जो वेट है ना ये क्या होता है, ये चेंज होते रहते हैं, है ना। अभी हम आगे टॉपिक में देखेंगे कि जो वेट होता है ना हमारा, जो ग्रेविटी हम अभी देखे हैं, W इक्वल क्या लिखते हैं हम, एम इंटू जी, एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, मतलब हमारा जो वेट होता है ना मास इंटू हम क्या लिख सकते हैं, हम ग्रेविटी लिख सकते हैं ना। एंड द वेट ऑफ बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं होता, अभी हम देखे हैं जो वेट होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता, है ना। The weight of a body can be zero also. And जो weight होता है, अगर मान लो कि क्या लिख सकते हैं हम, the weight of body can be zero. ये क्या होता है? ये zero भी क्या हो सकता है? Zero भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे का हम टॉपिक देखें तो मास और बॉडी, अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना मास एंड बॉडी के ऊपर, ठीक है, क्या करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी अभी देखा है कि W इज इक्वल क्या होता है, W इज इक्वल होता है M इंटू जी, देखो तो W W इक्वल क्या होता है M इंटू जी, जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि W, तो यहाँ पे मास क्या क्या गिवन है पहले अपन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है हमारा, कितना है मास, कितना है 5 kg, एंड इसका जो वेट है हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड हमारा जो ग्रेविटी है वो हमें पता है पहले से कितना होता है, ये ग्रेविटी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है, एंड ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी हमारा हम सबको पता है कि इसका होता है 9 point, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9.8, है ना। देखो ये किसी ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, किसी बॉडी का मास कितना है 5 kg, उसका वेट क्या होगा, तो हमें पता है कि W इक्वल क्या होता है, M इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे W, ये हमारा W, W इक्वल M कितना गिवन है 5, एंड जी कितना गिवन है 9.8, इसको इंटू कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, चलो इंटू करो, ये हो जाएगा हमारा वेट हो जाएगा कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे 49, एंड वेट को क्या हो जाए, वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन से, तो यहाँ पे W इक्वल हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 49 न्यूटन, ठीक है। देखो ये, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट विद वेट, अब देखो यहाँ पे वेट गिवन है, क्या है यहाँ पे वेट गिवन है ना, वेट कितना गिवन है, ये हो जाएगा हमारा वेट, वेट कितना है 49 है, ठीक
ठीक है, 49 न्यूटन है। एंड हम क्या करेंगे इसका, हमें तो हमारा फॉर्मूला पता है, W इक्वल होता है m इंटू जी, डब्ल्यू कितना है 49 है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट का मास क्या होगा, हमें मास फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे मास, यहाँ पे मास हमें फाइंड करना है, तो ये हम, ठीक है, तो देखो ये 49 इक्वल हो जाएगा m इंटू ग्रेविटी कितना है हमारा 9.8, क्या है 9.8, तो ये क्या हो जाएगा, इधर इसके इंटू फॉर्म में है तो ये हो जाएगा m इक्वल इधर आके वो डिवाइड फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 9.8, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, तो m इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 kg, तो ये होता है हमारा मास, ठीक है, ये हो हमारा क्या निकल गया, मास निकल गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। एंड आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो दोनों में हम क्या देख लेते हैं, मास एंड वेट, अभी हमने पढ़ा कि मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, अभी हम पढ़े उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले मास, यहाँ पे हम मास लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, मास लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेट, क्या लिख लेते हैं, हम वेट लिख लेते हैं, तो मास और वेट, तो मास सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि मास क्या होता है, मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का जिस क्वांटिटी, क्या कहता है, ऑब्जेक्ट का मास जिस क्वांटिटी से वो बना होता है वो उसकी क्या कहलाती है, मास कहलाती है, जैसे कि अपन उस मैटर की क्या कहलाएगी, वो मास कहलाएगी, जैसे कि अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, the mass of an object is the quantity of matter contained in it। यहाँ पे वेट, वेट क्या होता है, ठीक है, वेट उसको बोलते हैं, W इक्वल हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे the weight, ये आप वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज the फोर्स, the force अपन बोल सकते हैं with it is यहाँ पे हम लिख सकते हैं attracted, यहाँ पे हम लिखे attracted toward the center, ठीक है। अभी हम लोग देखें क्या देखे थे कि अर्थ क्या करता है, फोर्स लगाता है ना, दिस सेंटर ऑफ द अर्थ, द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड ये जो मास होता है, यहाँ पे बाकी बच्चों आप लोग, ये तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं डिफरेंस बता देती हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो मास में आप क्या होता है, मास जो होता है वो होता है हमारा, मास कैसा यूनिट हम लिखते हैं, मास कैसा यूनिट क्या लिखते हैं हम, केजी। एंड वेट कैसा यूनिट, हम जैसे फोर्स कर लेते थे उसका होगा हमारा न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, जिसको एन से नोट करते हैं, है ना। और ये जो हमारा मास जो होता है ये कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है। एंड जो वेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो चेंज होते रहता है ना, चेंज होते रहता है। एंड ये जो मास होता है ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, एंड जो वेट होता है वो क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। आज की क्लास यही थे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके, थैंक यू।